फ्रेंड्स, जैसे कि आज हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि लेसन प्लान्स जो आपने हैंड रिटन बनाने हैं, जैसा उर्दू और उर्दू मीडियम सब्जेक्ट्स, इस्लामियात, मोशरत इलूम या वाकफियत आमा, इनके जो आप लेसन प्लान्स बनाएंगे उर्दू में, वो हैंड रिटन लेसन प्लान्स आप अपलोड करने के लिए उसकी क्लियर पिक्चर कैसे करेंगे? क्योंकि अगर आप क्लियर पिक्चर अपलोड नहीं करते तो वो पढ़ने में इतने अच्छे नहीं लगते। इस वजह से मैंने आपको कहा था कि मैं आज आपको कैम स्कैनर ऐप का बताऊंगी। ये आपको स्क्रीन पर कैम स्कैनर ऐप नज़र आ रही है, ठीक है? आप लोगों ने कैम स्कैनर ऐप को डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद फिर आप इसको क्लिक करके ओपन करेंगे, ठीक है? जब आप ओपन करेंगे तो ये देखें, आपको ये नज़र आ रहा होगा कैमरे का निशान स्क्रीन की बिल्कुल इस साइड पर। ये कैमरे का निशान आपको नज़र आ रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे, ये आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। मेक श्योर के आपके इस वाले पोर्शन में, ये जो पोर्शन आपके सामने नज़र आ रहा है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वाला आपने क्लिक करना है, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स वाला आपने क्लिक करके पिक्चर खींचनी है। ये देखें, डायरी को मैंने फोकस किया है और इसको मैंने क्लिक किया, पिक्चर खींची गई। ये वो आपको उसका एरिया नज़र आ रहा है जो एरिया मैंने सेट किया है। इसको मैं बढ़ा भी सकती हूँ, कम भी कर सकती हूँ, तो आप तस्वीर के हिसाब से या आपने जो आपका पेज है उसके हिसाब से इसको सेट करेंगे। फिर आपने ये जो नेक्स्ट वाला एरो है ना, ये नेक्स्ट वाला एरो आपने ये क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये क्रॉप हो जाएगा। ये देखें, मैजिक कलर को आपने सिलेक्ट करना है। डिफरेंट व्यूज़ हैं, ओरिजिनल ये ब्लैकिश सा था, लाइट करते हैं तो ये नज़र नहीं आता। आपने मैजिक कलर क्लिक करना है। मैजिक कलर क्लिक करेंगे तो ये बहुत नीट एंड क्लीन हो जाएगा। आपने ये जो राइट वाला बिल्कुल नीचे राइट नज़र आ रहा है, इसको आपने क्लिक कर देना है, प्रोसेस हो जाएगा, ये पिक्चर सेव हो गई, ठीक है? अब आपने एक दूसरा लेसन प्लान बनाया है, अब क्या करना है, ये आपके सामने ये नज़र आ रहा है, इसको आपने दोबारा क्लिक करना है, ठीक है? ये बिल्कुल ऊपर वाले पोर्शन को क्लिक करना है, ये आपके सामने एक स्क्रीन ओपन होगी। इसमें आपने इसको मिटाकर अपना नाम लिख देना है, लेसन प्लान वन लिख देना है, ठीक हो गया? लेसन प्लान वन या लेसन प्लान उर्दू लिख दें, लेसन प्लान वन उर्दू ऐसा लिख दें, ठीक है? ओके कर दें तो ये लेसन प्लान वन हो गया। अब आपने एक और पेज इसमें ऐड करना है, क्योंकि लेसन प्लान एक से ज़्यादा पेजेस का होगा, तो दोबारा आपने कैमरे वाले आइकन को क्लिक करना है। इसको क्लिक करेंगे, दोबारा कैमरा शुरू हो जाएगा, आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करके आपने फिर पिक्चर लेनी है। ये प्रोसेस हो रही है, आपको नज़र आ रही है ये, अगर ब्लर भी होगी ना तो ये ठीक हो जाएगी। ये देखें, मैजिक कलर की वजह से अगर ब्लर भी थी तो ये ठीक हो गई, कुछ अच्छा नज़र आ रहा है, क्लियर निखा नज़र आ रहा है, ठीक है? अगर तो ये ठीक है तो ओके हो गया, अदरवाइज़ आप फिर बैक पे चले जाएं और पिक्चर दोबारा ले लें। जैसे ये, इसको फिर बैक पे ले जाएं, डिस्कार्ड कर दें, ये वाली डिस्कार्ड हो जाएगी, पिक्चर दोबारा ले लें। ठीक है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें और एडजस्ट कर लें जैसे आप एडजस्ट करना चाहते हैं। फिर ये नेक्स्ट वाले आइकन को क्लिक करें, नेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने फिर से मैजिक कलर्स की वजह से कितनी साफ़ तस्वीर नज़र आ रही है। इसको टिक कर दें, ये देखें, ये आपके दो पेजेस लेसन प्लान के सेव हो गए। अब अगर तो ये काफ़ी हैं, बैक पे ले जाएं, ठीक है, और दैट्स इट, एक नई फाइल बना लें जिसमें आप लेसन प्लान नंबर टू है उसकी तस्वीरें लेके इसको क्रॉप करें। अब आपने इसको गूगल ड्राइव पे कैसे सेव करना है, इसी को क्लिक करें,
एक तरीका ये राइट वाला आइकन आ जाएगा। दूसरा तरीका आप इसको क्लिक करके ओपन करें, इन सब पेजेस को सिलेक्ट करें, ठीक है, यहाँ शेयर पे क्लिक करें, शेयर पे क्लिक करेंगे तो इसको क्रॉस कर दें, शेयर पे क्लिक करेंगे तो आपने इसको शेयर पीडीएफ करना है, ठीक हो गया, शेयर पे क्लिक कर दें, दोबारा शेयर कर दें। अब आपके सामने ये सामने सेव टू ड्राइव आ रहा है, सेव टू ड्राइव पे क्लिक करें, ठीक है, लेसन प्लान आपका आइकन होगा, आपने अपने जो जिस अकाउंट में सेव करना है और उसमें जो फ़ोल्डर बने हुए हैं आपने किस फ़ोल्डर पे करना है। अभी मैंने नया फ़ोल्डर नहीं बनाया, चलें अगर मैं नया फ़ोल्डर भी बनाती हूँ तो मैं इसको क्लिक करती हूँ, यहाँ पर मैं अपना नाम लिख लेती हूँ JAV और 1 2 3 4 5 6, मतलब मेरा नाम और मेरा रोल नंबर क्रिएट कर देती हूँ, तो इसी को मैं सिलेक्ट कर लूँगी, इसको फिर दोबारा सेव पे क्लिक करूँगी तो ये मेरा जो लेसन प्लान है वहाँ पर सेव हो जाएगा, ठीक है, इसको क्लोज़ कर दें, दैट्स इट, ये सेव हो गया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं अपने गूगल ड्राइव से, ड्राइव पे क्लिक करें, ये देखें ये आपने जो नया फोल्डर बनाया था उसको क्लिक करें और ये देखें लेसन प्लान उर्दू इसमें सेव हो गया। अब आपने दोबारा इसको थ्री डॉट्स को क्लिक करना है, अब आपने ये जो थ्री डॉट्स है ना इनको क्लिक करना है और ये देखें शेयर पे, शेयर पे दोबारा क्लिक कर देना, यहाँ पर एक नई स्क्रीन ओपन होगी, नॉट शेयर आपको नज़र आ रहा है, नॉट शेयर को क्लिक करेंगे तो ये रिस्ट्रिक्टेड लिखा नज़र आएगा, हमने चेंज करना है, ये चेंज ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है, चेंज को क्लिक करना है आपने। यहाँ पर आएगा एक और लिंक, यहाँ पर एनी वन विद द लिंक को आपने सिलेक्ट कर देना है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो एनी वन विद द लिंक कैन शेयर इट, ये देखें एनी वन विद द लिंक, ठीक है, दोबारा जाएँ बैक पे चले जाएं, अब देखें ये पब्लिक हो गया है। अब ये जो लिंक का आइकन है, ये जो लिंक का आइकन आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है, आपने इसको क्लिक कर देना है, इसको क्लिक करेंगे, साथ ही एंड पे मैसेज आ रहा है लिंक कॉपी टू क्लिपबोर्ड, नज़र आ रहा है ना, फिर सेलेक्ट करें लिंक कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अब इस लिंक को आप अपने LMS पर पेस्ट कर सकते हैं, LMS को आप अपने ओपन करेंगे, वहाँ पर ड्यूरिंग वर्कशॉप का जो टैब बना हुआ है उसे सिलेक्ट करें और उसके अंदर इस लिंक को पेस्ट कर दें। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जैसे हमने पहले किया था, हम WhatsApp में भी इसको अपने लिंक में भी, उसमें अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, जैसा आप करना चाहते हैं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, इसको ज़रूर फॉलो करें और प्रैक्टिस करें ताकि आपको आइडिया हो जाए।